के अंदर जो सवाल पूछे गए थे, जो सबसे पहले जो आज जो सवाल पूछे गए था कि पोलो वाटर पोलो के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना वाटर पोलो है, वाटर पोलो के अंदर वाटर पोलो में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। जो जो मेरे पास में क्वेश्चन आते हैं मैं उनकी चर्चा करता रहूँगा। और एक सवाल बहुत पूछा गया था कि ऊर्जा ऊर्जा के बारे में पूछा गया था, तो ऊर्जा दोस्तों कैलोरी कैलोरी जो होती है कैलोरी का मापन होता है, ऊर्जा होता है। उसके बाद में दोस्तों जो सवाल पूछे गए थे चीन ने जो दो उपग्रह पूछे, चीन ने जो वर्तमान में आपको बताया दो उपग्रह छोड़े गए थे, उपग्रहों के बारे में पूछा गया था कि कितने उपग्रह छोड़े गए थे, तो दो उपग्रह छोड़े गए थे किसके द्वारा, चीन के द्वारा दो उपग्रह छोड़े गए थे। उसके बाद में सवाल पूछा गया था कि भारत का 50वां फिल्म महोत्सव, तो ये जो वर्तमान में जो फिल्म महोत्सव मनाया गया था, तो ये 50वां अंतर्राष्ट्रीय 50वां फिल्म उत्सव था और फिल्म महोत्सव गोवा के अंदर आयोजित किया गया था। कहाँ क्या गया था, गोवा के अंदर आयोजित किया गया था। उसके बाद में सवाल एक जो हमारे साइंस से संबंधित सवाल पूछा गया था, बहुत ही अच्छा और बहुत इजी सवाल पूछा गया, इंसुलिन के बारे में पूछा गया था। किसके बारे, इंसुलिन की खोज दोस्तों 1921 के अंदर की गई थी। कब की गई थी, 1921 के अंदर इंसुलिन की खोज की गई थी। और उसके बाद में जो आपके जो सम्मेलन के बारे में पूछा गया था, सम्मेलन के बारे में भी पूछा गया था। और दोस्तों सबसे बड़ा जो पूछा गया था, 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। ये भी सवाल आज परीक्षा के अंदर पूछा गया था। उसके बाद में डेविस कप के एक जो स्पोर्ट से पूछा गया था, डेविस कप की विजेता 2019 के अंदर जो डेविस कप हुआ था पुरुषों के अंदर किसने जीता था, तो स्पेन ने जीता था। किसने जीता था, इस बार ने, और 6 बार विजेता बनी, कितनी बार बनी, 6 बार जो विजेता बनी थे। उसके बाद में एक जो सवाल पूछा गया था कि वस्त्र नीति आपने सुना होगा, वस्त्र नीति जो किस समिति के आधार पर जारी की गई थी, तो सत्यम समिति, वस्त्र नीति सत्यम समिति के आधार पर जारी की गई थी। किसकी, सत्यम समिति के आधार पर जारी की गई थी। उसके बाद में सवाल जो पूछे गए थे, अब अगर हम बात करते हैं जो, और एक जो एक सवाल पूछा गया था बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति के बारे में, और हरित क्रांति है चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत लागू की गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत लागू की गई थी। एक सवाल पूछा गया था बिल्कुल जो रूट के अंदर दे रखा था, 4+44 उसके बाद में प्लस रूट 1000 1 10000, तो यहाँ पर इस रूट का मान आपको ज्ञात करना था। नॉर्मल सा क्वेश्चंस परीक्षा के अंदर आज पूछा गया था, तो इस प्रश्न को अभी आपको ध्यान में रखना। एक सवाल ये भी पूछा गया था कि जो चार बड़ी बड़ी जो भिन्न दे रखी थी, अलग अलग जो भिन्न दे रखी थी, और सबसे बड़ी भिन्न के बारे में पूछा गया था कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। एक सवाल जो नॉर्मली सवाल पूछा गया था एक्स और वाई का जो अनुपात पूछा गया था, सरलीकरण से संबंधित पूछा गया एक्स और वाई का अनुपात क्या है। और एक सवाल ये भी पूछा गया था, देखिए एक जो क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक संख्या का वर्ग उस संख्या के दुगुने से 8 अधिक है, किससे है, उस संख्या से दुगुने से 8 अधिक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे गए थे आज परीक्षा के अंदर। बहुत आज का जो पेपर की हम बात कर लें तो इतना हार्ड नहीं था, सरल था, मैथ रीजनिंग की बात का 1.06 का मल्टीपल पूछा था ये, और यहाँ पर इस बार दे रखा था इस बार का मल्टीपल सॉल्यूशन करना, इस बार का मतलब होता 99, तो 1.99 × 0.99 इसका सही आंसर आपको निकालना था। उसके बाद में लाभ हानि में से सवाल पूछा गया था लाभ और इन P&L प्रॉफिट एंड लॉस औसत एवरेज से भी सवाल पूछा गया था आज परीक्षा के अंदर, सवाल पूछे गए थे। और एक जो चक्रवर्ती ब्याज का सवाल पूछा गया था, यानी सीआई का सवाल पूछा गया परीक्षा के अंदर, सीआई का भी सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया था। उसके बाद में टाइम एंड वर्क का सवाल पूछा गया था, किसका, टाइम एंड वर्क
टाइम एंड वर्क का सवाल पूछा गया था, नॉर्मल सवाल पूछा गया था कि ए और बी मिलकर कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी 12 दिन को पूरा करते हैं और उस काम को 3 और 6 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो नॉर्मल से ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम बात करते हैं जो त्रिकोणमिति से सवाल पूछा गया था, एक जो लंब दे रखा था, लंब कर्ण लंब ज्ञात करना था। रीजनिंग में बात करते हैं, पासा में से सवाल पूछा गया था, एक सवाल पूछा गया था और दोस्तों श्रृंखलाएं पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं एक स्कोर, जहां पर आपका स्कोर चल रहा था, क्या चल रहा था, 1 का स्कोर, 2 का स्कोर, 3 का स्कोर, 4 का स्कोर, आगे वाला सवाल पूछा गया था। उसके बाद में बात करते हैं जो इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर वही रूस एंटोनियम सिनोनियम वगैरह सवाल परीक्षा के अंदर पूछे गए थे। तो मेरे पास में जो भी प्रश्न आए वीडियो लाइक कर से जरूर करें। सेकंड शिफ्ट का जैसे ही हमारे पास में पेपर आएगा उनका हम एनालिसिस लेके आएंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।